लिखा हुआ है सेक्शन 45 में कि कोई भी न्यायालय जब किसी एक्यूज को जमानत देगा तो वो तभी दे सकता है जब उसको इस बात का भरोसा हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये व्यक्ति इस अपराध का दोषी नहीं है। ईडी का पर्दाफाश हुआ है कि कैसे फर्जी बयान पर बयान लेकर वो कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। पीएमएलए केस में जमानत मिलने का मतलब साफ है कि कोर्ट का मानना है कि संजय जी का इस दोष से, इस अपराध से कोई लेना देना नहीं है, वो निर्दोष है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के, उनके यहाँ पर मैं मौजूद हूँ उनके आवास के बाहर, उनके दफ्तर के बाहर। और यहाँ पर जो बड़ी जानकारी सामने आई थी कि जमानत जो मिल चुकी है तो उससे आखिरकार किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा वो देखना होगा। और जमानत आखिरकार कैसे मिली, किस तरीके से मिली, इतना समय उन्हें जेल में हो गया था, क्या उन पर जो दोष लगा हुआ था वो पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाया, किसकी कमी थी, किसने यहाँ पर उन पर इल्ज़ाम लगाया, तो बड़े बड़े सवाल यहाँ पर लगातार बने हुए। तो हमारे साथ यहाँ पर दीपक वाजपेयी जी हैं, उनसे सीधा सवाल करेंगे, एडवोकेट है सर। यहाँ पर जमानत मिल गई है तो जमानत तो पहले भी मिल सकती थी, अगर शराब नीति घोटाला ही था तो उन पर क्या लगता है? देखिए, अगर आप सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट का पढ़ेंगी तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 45 में कि कोई भी न्यायालय जब किसी एक्यूज को जमानत देगा तो वो तभी दे सकता है जब उसको इस बात का भरोसा हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये व्यक्ति इस अपराध का दोषी नहीं है, नॉट गिल्टी है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है तो जाहिर तौर पर तभी दी है जब उनको इस बात का भरोसा है कि संजय सिंह जी किसी किस्म के अपराध में सम्मिलित नहीं है, उसके दोषी नहीं है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। आज ईडी का पर्दाफाश हुआ है कि कैसे फर्जी बयान पर बयान लेकर वो कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट में सबूत रखने में बुरी तरह नाकाम रहे। और ये पर्दाफाश होने के बाद अंत में सुप्रीम कोर्ट को ये सेटिस्फैक्शन हुआ कि संजय सिंह जी का इस दोष से कोई लेना देना नहीं है और तब उनको जमानत मिली है। जाहिर सी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। और मैं यही बोलूंगा कि आखिर में सच की ही जीत होती है और सच की जीत हुई है। लेकिन अब सवाल तो ये बने हुए हैं कि सिसोदिया जी बाहर नहीं आ पा रहे, सत्येंद्र जैन जी बाहर नहीं आ पा रहे, तो क्या उन पर जुर्म साबित होने का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, क्या होता है कि हिंदुस्तान में, चूंकि मैं एक वकील भी हूँ तो मैं आपसे कहूँगा, एक लीगल प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है। हम कोर्टों का सफ़र तय करते करते नीचे के कोर्ट से ऊपर के कोर्ट में, ऊपर एक प्रक्रिया है, उसका समय आएगा, उन सब लोग, सारे लोग निर्दोष साबित होंगे। ये एक ही केस के सारे एक्यूज़ हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा है कि संजय जी इस मामले में दोषी नहीं है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये किसी क्रिमिनल केस में जमानत नहीं है, ये पीएमएलए केस में जमानत है। पीएमएलए केस में जमानत कोर्ट तभी दे सकता है जब उसको इस बात का सेटिस्फैक्शन हो कि जो भी अभियुक्त है वो इस मामले में दोषी नहीं है। और खुद जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने ये ऑब्जर्व किया, ईडी को बोला कि अगर आप इस बेल का विरोध करेंगे तो हमें ऑर्डर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा सेक्शन 45 के तहत। कि ईडी का खुलासा हुआ, ईडी ने जो किया उस चीज का खुलासा हुआ, पर्दाफाश हुआ कि आज जब, क्योंकि ये सामान देखिए, बाकी क्रिमिनल केसेस में हमें जमानत मिलती है किसी भी ग्राउंड पे कि भाई अभी इनकी आवश्यकता नहीं है वगैरह वगैरह। पीएमएलए में बहुत ही कड़ी शर्त है, सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट का पढ़िए, उसमें लिखा है कि कोई भी न्यायालय किसी अभियुक्त को जमानत सिर्फ तभी दे सकता है जब कोर्ट को इस बात का पूरा भरोसा हो कि यह व्यक्ति दोषी नहीं है। इसलिए पीएमएलए केस में जमानत मिलने का मतलब साफ है कि कोर्ट का मानना है कि संजय जी का इस दोष से, इस अपराध से कोई लेना देना नहीं है, वो निर्दोष है, इसलिए ये बड़ी जीत। बिल्कुल, आपने सुना, हमारे साथ यहाँ पर दीपक वाजपेयी जी थे जो एडवोकेट है, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि यहाँ पर जो दोष लगाया गया था वो पूरी तरीके से गलत था और कहीं ना कहीं यहाँ पर ईडी का पर्दाफाश होते नजर आए, इस तरीके से यहाँ पर बयान दिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या लगता है, अब बारी किसी और की है, कोई और जल्दी जेल से बाहर आता हुआ नजर आएगा? और देखते हैं लीडिंग भारत।